ये अगस्त का फूल है, इसका हम पकौड़ा बनाएंगे। इससे पहले इसके ऊपर का जो ये है इसे निकाल लेंगे। इसे निकाल करके सारे का मैंने निकाल लिया है, एक आप लोगों के लिए खत्म कर लिया। और ये मिर्च का पकौड़ा बनाएंगे, इसमें हम डालेंगे लहसुन, गोल मरीच और जीरा थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। ये हमने बेसन रख लिया है, इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा रख लिया है। अब चलते हैं मसाला पीसने। देखिए बेसन में हमने मिर्च मिला लिया है एक चम्मच, हल्का सा थोड़ा सा आधा चम्मच जैसा हल्दी ले लिया है। अब जो मसाले हमने पीसे हैं उसे ऐड, और इसका बना लेंगे नमक देकर के, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसका घोल बना लेंगे। तो आते हैं घोल बनाकर। देखिए घोल हमारा अच्छा तरह से मिक्स हो चुका है, सब कुछ तैयार है। अब हम चढ़ाते हैं कढ़ाई, डालते हैं इसमें तेल, तेल गर्म करके भुजा करेंगे। देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे ऐसे ऐसे करके बेसन में, घोल को लगाएंगे, मिर्च डालेंगे इसमें, इसमें ऐसे लपेट देंगे। मिर्च को पहले ऐसे दो घाट कर लिया था बीच से हमने। देखिए कितना गरारा बन के तैयार होगा क्रंची एकदम से, फूल का पकौड़ा। अगस्त का फूल है, खाने का बहुत फायदा होता है। देखिए अब हमारा पकौड़ा बन चुका है, अब इसे निकालेंगे। देखिए कितना अच्छा लाल क्रंची, जारू में तो बस पकौड़ा बहुत अच्छा लगता है सबको, चाय के साथ खाइए। और ये देखिए तैयार है हमारा मिर्च का पकौड़ा, और ये है अगस्त का फूल का पकौड़ा। लीजिए तैयार है आपके लिए।